पे आज आम प्लस टू फर्स्ट ईयर एजुकेशन इलेक्टिव डिटेल सिलेबस को आज आम देखा। आमर प्लस टू फर्स्ट ईयर रे थ्योरी रे आसी 70 मार्क, प्राक्टिकल रे होछि 30 मार्क, एमती टोटल आसी 100 मार्क। आउ फर्स्ट टोटल तो इथि होछि 4टी यूनिट, 4टी यूनिट होछि एथरे। प्रथम यूनिट टी होछि फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, द्वितीय यूनिट टी होछि हमर फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तृतीय यूनिट हूँ एजुकेशन एंड सोसाइटी एंड चतुर्थ यूनिट हूँ मेथड्स एंड टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग। एमती टोटल आसुच्छे आमर चारोटी यूनिट्स। आमर प्रथम यूनिट रे जो अच्छी फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन से तीनोटी पाठ अच्छी। फर्स्ट पाठटे हूँ मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन विषय कौन पढ़ा, एम्स ऑफ एजुकेशन विषय पढ़ा, देन एजेंसीज ऑफ एजुकेशन विषय पढ़ा। फर्स्ट देखा मीनिंग ऑफ एजुकेशन कौन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन कौन देखा। प्रथम मीनिंग ऑफ एजुकेशन माने आसीबो एजुकेशन अर्थ कौन, एजुकेशन शब्दटी किपर तैयारी एजुकेशन इंग्लीश गोटे शब्द अच्छी यहाँ तैयारी केमती है, यहाँ तीनोटी शब्द रू आसी एजुकेशनटा सेटा कौ कौ शब्द रू से विषय पढ़ा। एजुकेयर, एजुसीयर, एजुकेटम तीनोटी शब्द अच्छी। तापर से आम पढ़ा यहाँ सब मीनिंग रे पढ़ा बुझेगा। तापर आम पढ़ा एम्स ऑफ एजुकेशन विषय पढ़ा। एम्स ऑफ एजुकेशन, एम्स मैंने शिक्षार लक्ष्य कौन अच्छी, शिक्षार एक्चुअली दुईटी लक्ष्य अच्छी, तापर आउ भी किसी लक्ष्य अच्छी, बाकी दुईटा लक्ष्य इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम, ये दुईटा लक्ष्य बहुत बहुत भाव इम्पोर्टेंट जोटा कि तुम्हें बही रे पढ़ा और डिटेल्स भी अच्छी बुझेगा। आउ ता ए विषय पढ़ले तुम जानपर जे कौन शिक्षार लक्ष्यटा कौन अच्छी, आउ शिक्षार गोटे जो इंडिविजुअल एम अच्छी यहाँ केमी व्यक्ति को मानने व्यक्ति को शिक्षित केमती करुच्ची, व्यक्ति को मानने तार जीवन रे केमिति अधिक एचिव करी पार से विषय अच्छी एटा इंडिविजुअल एम। आउ रहा सोशल एम, एटा माने शिक्षार सामाजिक लक्ष्य, सोसाइटी विषय डिटेल्स अच्छी माने सोसाइटी केमती हेबो, सोसाइटी केमती हेबा कथा, किपरी माने एजुकेशन प्रोवाइड करा जीवो तो सोसाइटी गोटे भल सोसाइटी रहिबो, से सब विषय एटा आम पढ़ा सोशल एम ऑफ एजुकेशन पढ़ा। आउ पुनी आउ दुटा अच्छी बट से यहाँ इम्पोर्टेंस नुह, बाकी यहाँ भी जानवाक पड़ो जो डेमोक्रेटिक्स एंड वोकेशनल दुटा लक्ष्य भी अच्छे एजुकेशन रहा डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डेमोक्रेटिक सोसाइटी जेहेतु आम रोचे तो डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन विषय भी जानवाक पड़ो। आउ वोकेशनल, वोकेशनल एम मान आमर कार्यभित्तिक हिसाब से शिक्षार किपर वोकेशनलाइजेसन रहा कथा बा किपर कार्यभित्तिक रहा कथा से विषय आम वोकेशनल एम से पढ़ा। तापर रहिला फंक्शन ऑफ एजुकेशन, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जिनस गोटे फंक्शन ऑफ एजुकेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन गोटे पार्ट हूँ फंक्शन ऑफ एजुकेशन। फंक्शन ऑफ एजुकेशन माने कौन, शिक्षार शिक्षार काम कौन, फंक्शन कौन, कार्य कौन, एक्चुअली यार दुईटी कार्य अच्छी दुईटी, गोटे है तुम फंक्शन रे अच्छी आमर आसी जा फंक्शन रे दुईटी कार्य अच्छे बाहर तागर आगे आमको जानवाक पड़ो जे माने व्यक्तिर कार्य जो अच्छी व्यक्तिर कार्य मान एजुकेशन, एजुकेशन कौन व्यक्ति मानने कि शिक्षापी कौन कर तो से अच्छी गोटे है तुम मानने शिक्षा व्यक्तिपी कौन कर व्यक्ति शिक्षा प्रथम तो हला शिक्षा व्यक्ति कौन कर
शिक्षा सोसाइटी पे कौन कर समाज पे कौन कर कि जिनस कर सब जिनस एमें पढ़ा फंक्शन ऑफ एजुकेशन पढ़ा बुझेगा तापर रही कौन तापर एजेन्सीज ऑफ एजुकेशन विषय पढ़ा कौन कौन एजेन्सी अच्छी एजेन्सी एजेन्सी अच्छी शिक्षा सहायक संस्था या उड़िया कहे शिक्षा शिक्षा सहायक संस्था शिक्षा सहायक संस्था माने कौन देख पिला माने शिक्षा सहायक संस्था माने माने गोटे व्यक्ति बा गोटे शिशु बा गोटे प्यूपिल बा गोटे स्टूडेंट किसी भी हो पारे से माने जिते बले शिक्षा ग्रहण करछंदी को एजुकेशन बा को संस्था से मानको सहाय्य करें पढ़ा एजेन्सीज ऑफ एजुकेशन पढ़ा माने किपरी संस्था किपर हाँ कथा फॉर्मल एजुकेशन संस्था फॉर्मल हे इनफॉर्मल हो पारे नॉन फॉर्मल हो पारे एक्टिव हो पारे और पैसिव हो पारे एमती भाव में आम एजेन्सी विषय पढ़ा फॉर्मल माने कौन फॉर्मल एजेन्सी माने कौन नॉन फॉर्मल कौन इनफॉर्मल कौन तापर एक्टिव एजेन्सी कौन पैसिव एजेन्सी कौन ये सब जिनस आम तापर आसुची आमर औपचारिक संस्था फॉर्मल आमर फॉर्मल जो अच्छी औपचारिक संस्था इनफॉर्मल माने आमर अनौपचारिक संस्था आउ अनानुष्ठानिक संस्था जो अच्छी आमर नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये समस्त विषय पढ़ो तापर एक्टिव संस्था कौन पैसिव संस्था कौन से टोटल विषय आम पढ़ा तापर दुई नंबर यूनिट कौन अच्छी फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माने शैक्षिक मनोविज्ञान फंडामेंटल विषय ये पढ़ा आम मैंने मीनिंग प्रथम देखा नेचर देखा स्कोप देखा एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने शैक्षिक मनोविज्ञान मीनिंग अर्थ कौन नेचर मैंने प्रकृति कौन स्कोप परिसर के कौन अच्छी एजुकेशनल साइकोलॉजी से सब विषय आम ये पढ़ा तापर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर द टीचर मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पोर्टेंस कौन अच्छी से सब जिनस आम ये देखा कौन तार माने इम्पोर्टेंस कौन रोचे देखा टीचर मानी तापर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विषय देखा ग्रोथ डेवलपमेंट कौन मुख्य जिनस गोटे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे तुम्हें निहती जानवाक ही पड़ो ह्वाट इज ग्रोथ एंड ह्वाट इज ग्रोथ एंड ह्वाट इज डेवलपमेंट निहती जान ग्रोथ मान यहाँ आमर फिजिकाल पार्टस बॉडी जी अच्छी से सब बढ़िया को आम ग्रोथ कहूँ आमर जो अच्छी माने जहाँ अच्छी आमर मानसिक मान विकासटा को डेवलपमेंट कह जिनस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा तार मीनिंग कौन तार जनरल प्रिंसिपल कौन ये सब विषय आम पढ़ा तापर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कारक जहाँ को कारक जी माने जी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को माने प्रभाव पकाउछन्ति से विषय आम पढ़ा तापर एटा सेकेंड यूनिट ये सरुचे देन ता पुणी अच्छे तुम तृतीय यूनिट कौन अच्छे देखा तापर तृतीय यूनिट अच्छे एजुकेशन एंड सोसाइटी ये आम आसी सोशियोलॉजी ये आसी जाए थर्ड यूनिट आसी जा सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी कौन सोशियोलॉजी है सोसाइटी विषय मैंने शिक्षा और सोसाइटी केमती रोचे से विषय आम ये पढ़ा एजुकेशन ऑफ सोसाइटी एजुकेशन सोसाइटी संगे कौन संपर्क अच्छी केमी एजुकेशन जरिया सोसाइटी को परिवर्तन करा जाई पारे एवं सोसाइटी परिवर्तन हेले एजुकेशन रो कौन परिवर्तन हो से सब आम ये पढ़ा एजुकेशन एंड सोसाइटी रिलेशनशिप
बिटवीन एजुकेशन और सोसाइटी विषय संपर्क कौन अच्छी पढ़ा तापर एजुकेशन फॉर सोशल चेंज एजुकेशन मैंने सामाजिक परिवर्तन एजुकेशन कौन रोल अच्छे से सब देखा तापर एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप मैंने हमरो नागरिकत्व शिक्षा कौन दरकार से पढ़ा तापर लास्ट देखा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एजुकेशन मैं ग्लोबलाइजेशन किपर एजुकेशन मैंने इंपैक्ट पड़ू एजुकेशन रे ग्लोबलाइजेशन मैंने तो जानी ग्लोबलाइजेशन आज का डेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस गोटे जानवा प्रत्येक जानवा कथा कहीं जो रेट ग्लोबलाइजेशन देखा दूसरी मानने आमर पृथ्वी बहुत कम दिन भितर ध्वंस पाइबार ध्वंस पाई से आम ग्लोबलाइजेशन विषय जानवाटा निहाती दरकार से ग्लोबलाइजेशन वन इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउ बुझला से विषय पढ़ा तार इम्पैक्ट कौन रोच मनीष समाज पर कौन तार इम्पैक्ट रहा जहाँ कि मानने ग्लोबलाइजेशन जो रेट हो रेट जो चलला किसी मानने से बेस दिन नुह जो दिन कि पृथ्वी पूरा ध्वंस पाइब मनीष समाज लोप पाइब से ग्लोबलाइजेशन को आम आज देखा पड़ो तापर तुम आसुची मेथड्स ऑफ टीचिंग।